स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल HS बैंकर के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हैं। मैं एक या दो दिन में वीडियो बना के उस क्वेश्चन के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन एक या दो दिन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फोर डिस्क डी, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ जूल स्पेस टू द अवेलेबल स्पेस। रेशियो पता करनी है जूल स्पेस और अवेलेबल स्पेस की। हमारे पास यहाँ पे दो पाई चार्ट से दो पाई डिस्क है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट वाली है वो क्या दिखाती है, टोटल स्टोरेज, ठीक है। टोटल स्टोरेज है ए बी सी डी का, ठीक है, चारों डिस्क का टोटल स्टोरेज। और जो सेकंड वाली ये पाई चार्ट है ये दिखाता है हमें जो यूज्ड किया गया है आउट ऑफ 200 GB, और जो फर्स्ट वाला है ये है 500 GB से। तो डी डिस्क की बात कर रहे हैं, डी में यूज्ड और अवेलेबल का रेशो पता करना है। यूज्ड तो यूज्ड क्या है, नीचे ये जो सेकंड वाला पाई चार्ट है इसमें देख सकते हो 25% यूज्ड है। तो यूज निकाल लेंगे पहले, 200 GB टोटल है, 200 का 25% कितना आ जाएगा, 50 GB, ठीक है। अभी यूज टू अवेलेबल, अवेलेबल कितना है वो कैसे निकालेंगे हम, टोटल में से यूज माइनस कर देंगे। तो जो डी डिस्क है उसके बाद टोटल कितना है, 500 का कितना, 30%, तो ये आ जाएगा 150। और अवेलेबल कितना है, 150 में से यूज्ड निकाल दिया, कितना आ गया, 100। अभी इसका और इसका रेशो पता करना है, तो 50/100 ये कट कर जाएगा 1/2 और 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, सिंपल था वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।